हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूँ नीलम। अगर आपके पास एक पेयर ऑफ डंबल है और आप उसे बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग वर्कआउट करना चाहते हैं, ताकि आप अपने एक्स्ट्रा बॉडी फैट को ड्रॉप करके अपने मसल्स को टोन कर पाएं और बहुत कम वक्त में मैक्सिमम कैलोरीज बर्न कर पाएं, तो डेफिनेटली आपको इस फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट को जरूर एक ट्राई देना चाहिए। हालांकि ये एक हाई इम्पैक्ट वर्कआउट है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर या फिर कंप्लीट बिगिनर हैं तब भी आप इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने इजी और इजीएस्ट मॉडिफिकेशंस भी डाले हुए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आपको इसके लिए चाहिए सिर्फ एक पेयर ऑफ डंबल्स। अगर आपके पास डंबल्स भी नहीं है तो आप वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं। अगर आप वो भी यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपने बॉडी वेट से भी इस वर्कआउट को एक ट्राई दे सकते हैं। इस फुल बॉडी वर्कआउट में वार्म अप और कूल डाउन के अलावा 3 सेट्स हैं और हर एक सेट में 6 एक्सरसाइजेस हैं और हर एक एक्सरसाइज को हम 10 रेपिटेशंस के लिए फॉलो करेंगे। सो ये एक जायंट सेट बन जाएगा, इसमें टोटल 60 रेप्स होंगे। बट घबराइए मत, ये बिल्कुल डुएबल है और वर्कआउट फिनिश करने के बाद आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई वाज टॉकिंग अबाउट। इट्स रियली रियली एन अमेजिंग वर्कआउट। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये वीडियो एक रियल टाइम वर्कआउट है, सो आप इसे मेरे साथ फॉलो अलॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है। तो वर्कआउट और कॉन्सेप्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, और आपके कोई सजेशन हैं तो प्लीज कमेंट्स बिलो। सो यस, लेट्स गेट राइट इनटू द वर्कआउट। ये एक वॉइस ओवर है। सो वार्म अप की सबसे पहली एक्सरसाइज है आर्म रेज। यहाँ पे 2-वे आर्म रेज हम परफॉर्म करेंगे। सो मतलब आपको एक रेपिटेशन में आर्म्स को अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर आना है, अपने लेग से आगे, और दूसरे रेपिटेशन में आपको अपने हाथों को अपने लेग्स के पीछे लेकर जाना है, जिससे कि हम दो तरह से इस रेंज ऑफ मोशन को टारगेट कर पाएँ। इसके 10 रेप्स आपको परफॉर्म करने हैं दोनों साइड्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है आपकी एल्बो टैप। सो अपने पैरों के बीच में शोल्डर विथ डिस्टेंस रखिए और बिल्कुल आपको स्ट्रेट खड़े रहना है, अपराइट आपका पॉस्चर होना चाहिए, कोर इंगेज, आपको अपनी बैक आर्च नहीं करनी है, और इस तरह से आपको अपने एल्बोज को पास में लाना है और कम्प्लीटली दूर लेकर जाना है, जिससे आपकी चेस्ट ओपनिंग अच्छे से हो पाए, आपके शोल्डर्स और आपके बैक और चेस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो पाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ऑल्टरनेटिव आर्म ड्रॉप। यहाँ पे आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर रखना है और अल्टरनेटिवली एक एक आर्म को आपको ड्रॉप करना है। याद रखिए, दोनों हाथों को ऊपर उठा के रखिए और अल्टरनेटिवली एक हाथ को नीचे लेकर आइए और फिर से ऊपर लेकर चले जाइए। इसके भी आपको 10 रेप्स ईच साइड परफॉर्म करने हैं। सो कीप गोइंग। सो नेक्स्ट अप है हमारा स्लो रन। यहाँ पे आपको अपने स्पॉट पे खड़े हुए सिर्फ स्लो रन करना है 30 स्टेप्स के लिए। नेक्स्ट अप है हमारा टो टच। यहाँ पे आपको अपने हाथों को अपनी बॉडी से थोड़ा दूर फैला के रखना है और अल्टरनेटिव हैंड से आपको अपनी अल्टरनेटिव फुट को टच करना है 1 by 1, और 10 टैप्स आपको दोनों साइड्स परफॉर्म करनी है। अपने पॉस्चर को अपराइट रखिए, अपने कोर को इंगेज करके रखिए, एंड यहाँ पे अपने बैलेंस का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो यू आर डूइंग ग्रेट, कीप गोइंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ट्विस्ट जैक। इसके आपको 30 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। सो अपने हाथों को अपने चेस्ट के आगे रखिए, अपने फिंगर्स को लैच करके, और अपने बॉडी को आपको ट्विस्ट करके परफॉर्म करना है इसे, और अपने हील्स को उठा के रखना है। मूवमेंट आपको अपने फोरफुट मतलब आगे वाले पंजों पे ही परफॉर्म करना है। बॉडी को अपराइट रखिए, बिल्कुल भी आपको झुकना नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4-way jumping jacks। इसमें आपको राउंड्स लेकर जंपिंग जैक्स परफॉर्म करना है। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो इजी मॉडिफिकेशन फॉलो कीजिए, एंड
चारों साइड्स में आपको जंपिंग जैक्स परफॉर्म करना है 30 स्टेप्स के लिए। After this, again you switch your exercise for twist jack for 30 more steps. और बस एक और लास्ट राउंड जो फोर वे जंपिंग जैक्स हमने परफॉर्म किए थे फॉर 30 मोर स्टेप्स, और इसके साथ ही हमारा वार्म अप कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद लेंगे हम एक लॉन्ग ब्रेक और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना राउंड नंबर 1 हमारे आज के वर्कआउट का। सो नाउ टेक अ ब्रेक और अच्छी तरह से रिकवर कर लीजिए इस वार्म अप से, क्योंकि एक बार जब आप अपना राउंड स्टार्ट करेंगे उसके बीच में हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं है। सारी 6 एक्सरसाइजेस हमें बैक टू बैक परफॉर्म करनी है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी अच्छी तरह से रिकवर हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। सो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है पुशअप्स, जिसके हमें 10 रेप्स परफॉर्म करने हैं। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो डेफिनेटली दोनों मॉडिफिकेशंस में से अपने अकॉर्डिंग जो मॉडिफिकेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं उसे चूज़ कर लीजिए एंड गो विद इट। और इसके बाद आपको अपनी एक्सरसाइज स्विच करनी है स्क्वाट्स में 10 रेपिटेशंस के लिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो एक चेयर स्क्वाट आप परफॉर्म कर सकते हैं विद और विदाउट वेट। सो स्विच योर एक्सरसाइज टू स्क्वाट्स। आपके पैरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो शोल्डर विद डिस्टेंस होना चाहिए, पॉस्चर आपका अपराइट होना चाहिए और नीचे की तरफ मत देखिए, सामने की तरफ देखिए, क्योंकि अगर आप नीचे देखेंगे तो आपके पॉस्चर के अपराइट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। सो कीप लुकिंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट अप है हमारा वन आर्म डंबल स्विंग। सो वंस यू फिनिश योर 10 रेप्स ऑफ स्क्वाट, स्विच योर एक्सरसाइज इन वन आर्म डंबल स्विंग। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही डंबल चाहिए और अपने पैरों के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो शोल्डर विड्थ से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। स्विंग योर डंबल अप विद योर वन हैंड, और जब पूरी तरह से आपका डंबल नीचे आ जाएगा तब आपको उसे दूसरे हाथ में शिफ्ट करना है। याद रखिए रेंज ऑफ मोशन के बीच में अपना डंबल कैच करने की कोशिश मत कीजिए। जब आप अपनी रेंज कंप्लीट कर लेंगे एक हाथ से, उसके बाद आप अपने डंबल को दूसरे हाथ में शफल करेंगे। कीप योर कोर टाइट एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ आर्चिंग ऑफ योर बैक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फॉरवर्ड बैकवर्ड लंच। इसके हमें 10 रेप्स ईच साइड से परफॉर्म करने हैं। सो दोनों डंबल्स आपने ले लीजिए, आपके डंबल्स आपके साइड में रहेंगे, और स्टार्ट योर एक्सरसाइज विद वन स्टेप फॉरवर्ड और उसके बाद एक स्टेप बैकवर्ड एंड देन दूसरा लेग वन स्टेप फॉरवर्ड एंड वन स्टेप बैकवर्ड। इस तरह से आपका वन रेप कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आपको 10 रेप्स कंप्लीट करने हैं। इसमें थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा बट डेफिनेटली इट्स टोटली वर्थ इट। सो कीप गोइंग। अभी हमने स्टार्ट किया है सो डेफिनेटली डूएबल। अगर आप लंजेस इस तरह से परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं तो दोनों ईजी मॉडिफिकेशंस में से कोई भी एक अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि आपको कंटिन्यू रहना है, अपने बॉडी को मूव करते हुए रहना है। अभी हमें कोई भी ब्रेक नहीं लेना है। सो यू आर डूइंग ग्रेट, जस्ट कीप गोइंग। अगर आप बीच में थक जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यू आर अबाउट टू गिव अप, देन डिच योर वेट। यस, अपने वेट ड्रॉप कर दीजिए और विदाउट डंबल्स आप अपने बचे हुए रेप्स को कंप्लीट कीजिए, बट कंप्लीट ऑल योर रेप्स। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो प्लैंक डंबल शफल है। अगर आप हाई प्लैंक में इसे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो पुट योर नीज डाउन
आप नी प्लैंक पे आ जाइए और उसके बाद अपने आर्म को आपको बिल्कुल वर्टिकल रखना है, मतलब आपका जो हाथ है वो एग्जैक्टली आपके शोल्डर के नीचे होना चाहिए और अपने डंबल को आपको अपने एक हाथ के सामने से उठाकर दूसरे हाथ की तरफ शिफ्ट करना है। दिस इज़ योर एक्सरसाइज। और अपने कोर को, अपने प्लैंक पे भी आपको ध्यान देना है, आपका जो कोर है अच्छी तरह से एंगेज होना चाहिए और आपका प्लैंक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो आप पुट योर नी डाउन या फिर बीच में भी आप अपने नीज को ड्रॉप कर सकते हैं अपने बचे हुए रेप्स कंप्लीट करने के लिए, अगर आपको लगता है कि यू आर अबाउट टू गिव अप। बट ये हमारा फर्स्ट राउंड है तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता ऐसा कोई चांस है, सो जस्ट कीप क्रशिंग इट। सो सिक्स एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज हमारी सेट वन की है बर्पीज। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ईजी मॉडिफिकेशन फॉलो कीजिए। सो लास्ट 10 reps of burpees। देखा, आप बिल्कुल कंप्लीट हो गया आपका राउंड नंबर वन और कुछ खास आपको अभी पता नहीं चला, बट आगे थोड़ा बहुत पता चलेगा। सो जस्ट कीप योर एंथुजियाज्म एट द टॉप, कीप गोइंग। ओके, सो ये था हमारा राउंड नंबर वन। सो हमारे पास और दो राउंड्स हैं। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कम से कम 3 मिनट का आपको ब्रेक लेना है बिफोर स्टार्टिंग योर राउंड नंबर टू। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है। आई एम जस्ट गोइंग टू ग्रैब माय वाटर। मैं थोड़ा सा पानी पीना थोड़ा थोड़ा सिप करती हूँ अपने वर्कआउट्स के बीच में। सो आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्योंकि मिनिमम 3 मिनट का ब्रेक इसमें रिक्वायर्ड है टू रिकवर नाइसली एंड कम्प्लीटली, और मैंने ब्रेक यहाँ पे कट किया हुआ है। सो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, एंड व्हेन यू आर कम्प्लीटली रिकवर स्टार्ट योर राउंड नंबर टू विद 10 reps ऑफ पुशअप। पुशअप्स परफॉर्म करने के लिए आपके हाथ आपके शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे होने चाहिए, मतलब वर्टिकल आर्म कम्प्लीटली एंगेज, कोर आप अपनी बैक को आर्च मत होने दीजिए। अब कोबरा स्टाइल में पुशअप्स नहीं करेंगे, बिल्कुल अपने बॉडी को एक यूनिट में आपको रखना है ऊपर और नीचे जाते वक्त। सो नाउ स्विच योर एक्सरसाइज फॉर 10 reps ऑफ स्क्वाट, शोल्डर विद डिस्टेंस बिटवीन योर फीट, अपराइट पॉस्चर, चेस्ट फेसिंग फॉरवर्ड, व्यू फेसिंग फॉरवर्ड, कीप योर बैक नाइसली स्ट्रेट एंड कोर एंगेज्ड। इसके बाद स्विच कीजिए अपनी एक्सरसाइज 1 arm डंबल स्विंग। आप चाहें तो 2 तरह के वेट्स भी अपने पास रख सकते हैं, जैसे मैं एक ही पेयर यूज़ कर रही हूँ। आप एक थोड़ा लाइट वेट और थोड़ा हैवी वेट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स परफॉर्म करने के लिए आप हैवी वेट यूज़ कर सकते हैं, बट 1 arm डंबल स्विंग को हैवी वेट के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए आप एक लाइटर वेट कंपैरेटिवली भी चूज़ कर सकते हैं। Then switch your exercise to forward and backward lunge. Lunges perform करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो सामने वाला पैर है उसका जो knee है वो आपके toes के line में रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसे cross नहीं करना चाहिए और आपकी body बिल्कुल upright रहनी चाहिए, आपको सामने की तरफ bend नहीं होना है। Keep your posture straight, go straight down and come। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट डेफिनेटली ये सिर्फ सेकेंड राउंड है, इट्स टोटली डूएबल। सो कीप गोइंग। अगर आपको चैलेंजिंग लग रहा है तो यू आर फ्री टू ड्रॉप योर वेट, बट कंप्लीट योर नंबर ऑफ रेप्स।
awesome work. Just few more reps and then we are done with this toughest exercise. Okay, now switch your exercise to plank dumbbell shuffle. And that's all, very good. Now switch your exercise to 10 reps of burpees. Well done. So this was your round number 2. Bas ab ek aur last round bacha hua hai. So sip a water, check your hair and pause the video. Kyunki jaisa ki maine pehle bataya tha ki aapko 3 minute ka kam se kam break yahan par lena hai. But video ko comparatively short rakhne ke liye maine breaks utne include nahi kiye hain. सो कम से कम आपको 3 to 5 minutes का ब्रेक आप यहाँ पे ले सकते हैं, स्पेशली इस वक्त आपके सेकेंड राउंड के बाद इट विल स्टार्ट गेटिंग वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू. सो ओके, नाउ स्टार्ट योर राउंड नंबर 3 विथ 10 रेप्स ऑफ पुशअप. अब ये राउंड बहुत चैलेंजिंग लग सकता है क्योंकि मुझे भी लग रहा है, और इसको एक चैलेंज की तरह ही आपको लेना है. और जैसा कि मैंने भी लिया था, येस दिस इज़ नॉट ईजी, बट डेफिनेटली टिल यू डोंट चैलेंज योर सेल्फ यू डोंट चेंज योर सेल्फ एज वेल. सो पुश योर सेल्फ, आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं. अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म आपको डिफ़िकल्ट लग रही है तो मॉडिफिकेशन पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. बट द पर्पज ऑफ दिस स्टफ इज़ कीप योर बॉडी मूविंग. सो सेकेंड एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं अपनी 10 रेपिटेशन ऑफ स्क्वाट. सो स्क्रीन पे ध्यान रखिए ताकि आपको पता रहे कि अगली एक्सरसाइज कौन सी है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, और जो एडिटिंग भी मैंने मेहनत की है वो भी वर्थ हो. सो जस्ट कीप हैविंग अ लुक ऑन द स्क्रीन. सो स्विच योर एक्सरसाइज टू 1-arm डंबल स्विंग नाउ. अगर आपके पास 2 पेयर ऑफ डंबल्स हैं तो लाइट वेट यहाँ पर आपको यूज़ करना है. 10 रेप्स ईच साइड, कोर इंगेज कम्प्लीटली, और आपको अपने शोल्डर लेवल से थोड़ा सा और हाई इस डंबल को लेकर जाना है स्विंग के लिए, अपने कोर को टाइट रखते हुए. और जब आपका डंबल टॉप पे है तो आपको दूसरे हाथ को सामने की तरफ साइड में फैला के रखना है, सो दैट आप अपना कोर इंगेजमेंट और अपने बैलेंस को अच्छी तरह से हैंडल कर सकें. Then after that, just take your biggest challenge, forward and backward lunge coming up. So अपने दोनों dumbbells ले लीजिए. आप चाहें तो light weight वाला dumbbell भी use कर सकते हैं यहाँ पर, but definitely आपको 10 reps perform करने हैं यहाँ पर. मेरे number of reps count करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ. So मेरा number of reps ऊपर नीचे हो सकता है, आई एम वेरी बैड एट इट. सो लेकिन आप अपनी रेप्स का ध्यान रखिए, या फिर उतना भी ज़्यादा पर्टिकुलर होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है एक्चुअली. अगर 1-2 रेप्स आपके ऊपर या नीचे होते भी हैं तो भी कोई ख़ास बात नहीं है, बिकॉज योर बॉडी नोज़ कि येस आप एफर्ट कर रहे हैं, अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं. ये आपके बॉडी को पता होता है, आपको पता होता है. सो येस 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 कीप क्रशिंग इट, जस्ट फ्यू मोर रेप्स. और यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा पॉज आ, जैसे कि देखिए मैंने भी मतलब माय एनर्जी इज़ आल्सो गोइंग हियर. सो और पैर भी थोड़े से थोड़े से डगमगा रहे हैं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फिनिश माय नंबर ऑफ रेप्स. और फॉर्म पे भी आपको फोकस करना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट टेक दिस एज अ चैलेंज एंड क्रश इट.
जस्ट फ्यू मोर. वेरी गुड. ओके सो ऑलमोस्ट ऑल डन. स्विच योर एक्सरसाइज टू प्लैंक डंबल शफल. सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस वर्कआउट. सिर्फ एक एक्सरसाइज जो आपको बर्पीज 10 रेप्स परफॉर्म करने हैं इसके बाद, एंड देन वी विल बी डन विद दिस वर्कआउट. सो ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड फुल बॉडी वर्कआउट है जिसमें अपर बॉडी, लोअर बॉडी और कोर, पूरे बॉडी को मैंने इंक्लूड किया है. सभी मसल ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे डिज़ाइन किया है एंड इट्स रियली रियली इफेक्टिव. अब आपको अगर आपने फॉलो अलॉन्ग किया हुआ है तो पता लगेगा कि येस this is a thing to try. So keep going and then switch your exercise to last exercise, burpees. यहाँ पे अब ये burpees भी easy नहीं है but बिल्कुल doable है. जैसा कि मैंने कहा था, keep up with me. सिर्फ 10 reps. अगर आप बीच में थक जा रहे हैं तो follow your modification, easy modification, but finish your number of reps. ऑल डन. वेरी गुड. ऑसम वर्क. अब आपको बहुत ज़रूरत है कम से कम 3 से 4 मिनट ब्रेक की, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बॉडी को स्ट्रेच करने की. सो पॉज योर वीडियो और मेरे साथ आप एक क्विक स्ट्रेचिंग रूटीन भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. सो अभी आप अपने आप को रिकवर कीजिए. प्रॉपरली ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और जब आपको लगे कि हाँ अब we are ready to perform our cool down stretches and then we will get started. So let's get ready for your cool down stretches. So sabse pehla jo hamara stretch hai wo hai wide stance forward fold. Iske liye aapko ek wide stance chahiye, aur wide stance ke baad aapko apne back ko straight rakhte hue hip pe hinge karna hai. सिर्फ आपको हिप पे हिंज करना है और बैक को स्ट्रेट रखना है. अब आपको अपने पैरों को टच करने की कोशिश करनी है. अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपने लेग्स को होल्ड कर लीजिए. जितना नीचे से आप होल्ड कर सकते हैं उतना नीचे से. अब आप एक साइड वॉक कीजिए अपने पैर की तरफ, और पिरामिड पोज की तरह हम इसे परफॉर्म करेंगे. कीप योर लेग स्ट्रेट. अगर आप पूरी लेग स्ट्रेट करके ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो बेंड योर नी अ लिटिल, बट ट्राई टू टच द फ्लोर. फ्लोर पे अपने फिंगर टिप्स टच करने की कोशिश कीजिए, आइदर विद बेंट लेग और विद स्ट्रेट लेग. इसके बाद आपको अगेन सेंटर की तरफ वॉक कीजिए अपने हाथों को एंड कम बैक टू स्टैंडिंग पोजिशन. इसके बाद अपने हाथों को, अपने आर्म्स को फ्लोर के पैरेलल लाइए और एक तरफ बेंड कीजिए साइड बेंड में. सो आपके ऊपर वाले जो हाथ के फिंगर टिप्स टूवर्ड्स द सीलिंग और नीचे वाले टूवर्ड्स द फ्लोर, और आपका चेस्ट जो है वो फॉरवर्ड फेस करेगा. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका चेस्ट एग्जैक्टली फॉरवर्ड फेस करना चाहिए. सो कीप लुकिंग फॉरवर्ड. नीचे की तरफ मत देखिए क्योंकि उससे आपकी बॉडी रोटेट हो जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए. सो रिलीज दिस स्ट्रेच नाउ. एंड और इसके बाद वाला जो स्ट्रेच है वो है हमारा पाइक. सो अपने दोनों हाथों को नीचे रखिए एंड पीछे की तरफ अपने पैरों को ले जाइए. गो इन अ गुड पाइक. और आपके लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए. अगर अपने हील्स को आप फ्लोर पे टच कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो कोई बात नहीं. देन रिलीज दिस स्ट्रेच ऑल्सो एंड कम बैक टू स्टैंडिंग पोजिशन. और जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रेच है वो है ताड़ासना. सो अपने पैरों को जॉइन कीजिए आपस में, पैरों को टच कीजिए आपस में, अपने पूरे बॉडी के मसल्स को टाइट कीजिए. जॉइन योर हैंड्स ओवर हेड इन नमस्ते. और आपके आर्म्स बिल्कुल टाइट एंड स्ट्रेट होने चाहिए. और एंड थिंक ऑफ पुलिंग योर सेल्फ एज अप एज यू कैन. देन ब्रिंग योर हैंड्स जेंटली डाउनवर्ड्स एंड गो टू योर चाइल्ड पोज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर चाइल्ड पोज. ये बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है. यहाँ पे कुछ देर रहिए. और इसी के साथ ही हमारा ये वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है. अगर आपको ये फुल बॉडी वर्कआउट पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. और आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.